बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई एम वकास अहमद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स ग्रेड 5। दिस इज आवर यूनिट नंबर 4। इट इज अबाउट डेसिमल नंबर्स एंड परसेंटेजेस एंड लेसन नंबर 15। इन दिस लेसन वी विल डिस्कस द एसएलओ राउंड ऑफ अ 4 डिजिट नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस टू द नियरेस्ट टेंथ आर 100। हमने बेसिकली यहां पर जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं उनको राउंड ऑफ करना देखना है, सीखना है, जैसा कि हमने होल नंबर्स को किया था। होल नंबर्स को कैसे किया था? अप टू टेंस किया था, अप टू हंड्रेड किया था, बट यहां पर हमने डेसिमल नंबर्स को अप टू टेंस एंड हंड्रेड्स करना है। सो डेसिमल में ही रखना है जो रिजल्ट है उसको भी, लेकिन राउंड ऑफ कैसे करना है? बिल्कुल वैसे ही करना है और वही मेथोडोलॉजी याद रखनी है, बट स्लाइट डिफरेंस है यहां पर। तो चलकर देखते हैं वो डिफरेंस क्या है। तो अब आ जाए लेसन प्लान की तरफ। टीचर जो हैं लेसन प्लान डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्री असेसमेंट की तरफ चलते हैं, देखें जरा, ऑब्जर्व करें। हैव यू हेयर्ड द टर्म राउंड ऑफ? कहां पर सुनी थी? किस यूनिट में आपने राउंडिंग ऑफ सीखी है? राइट इट ऑन योर नोटबुक एंड शो इट टू योर टीचर। सो क्विकली राइट इट। आपने किस क्लास में, कहां पर और किस जगह सीखी थी राउंडिंग ऑफ, राउंड कैसे करते हैं? सो ऑब्जर्व करें, राउंड टू द नियरेस्ट 10, इसको कैसे राउंड करेंगे? 53 को हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली राउंड करना है और अपना जो रिजल्ट है अपने टीचर को दिखाना है कि 53 को कैसे राउंड किया जाता है nearest 10। So, अब आ जाएं आज के जो key points हैं या फिर जो हमारा concepts हैं जिनको हम लोग again and again discuss करेंगे। round of decimal, whole numbers का आपको पता है कैसे round off करना है। आज हम लोग यहां पर decimal को सीखेंगे कि कैसे decimals को round off किया जाता है। और next whole numbers ये भी discuss होगा, rules of rounding of a decimal number and then अब रूल्स देखते हैं, इसके कौन कौन से रूल्स हैं। फर्स्ट रूल देखें, वी कैन इजीली राउंड ऑफ अ डेसिमल विद 1 or 2 डेसिमल प्लेसेस टू द नियरेस्ट होल नंबर बाय फॉलोइंग दीज रूल्स। कौन कौन से रूल्स हैं ऑब्जर्व करें। इफ द नंबर बिहाइंड द डेसिमल पॉइंट इज लेस देन हाफ द डेसिमल वैल्यू विल ड्रॉप ऑफ विदाउट एनी चेंज इन द होल नंबर। एक चीज यहां पर भी आपने वही चीज याद रखनी है कि हाफ मींस के आपके पास ये 5 का फिगर आपने याद रखना है। अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद जिस नंबर को आपने राउंड ऑफ करना है उसको देखना है। सपोज मैंने एक नंबर है 35.78, मैंने ये जो 7 है इसको राउंड ऑफ करना है, ये टेंथ के ऊपर राउंड ऑफ हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, इस नंबर को मैंने राउंड ऑफ करना है, इससे अगला जो नंबर है उसको मैं चेक करूंगा कि वो 5 है या ग्रेटर देन 5 है। 5 है या ग्रेटर देन 5 है तो मैं पहले नंबर में 1 ऐड कर दूंगा। अगर 5 से लेस है तो फिर मैं उसको छोड़ दूंगा और नंबर्स को एज इट इज रहने दूंगा। अब यहां पर 8 है तो 8 क्या है, तो मेरे पास 35.8 बन जाएगा और बाकी इसके बाद वाले जो डिजिट्स हैं उसको लीव कर दूंगा, या यहां पर आप 0 भी लगा सकते हैं। एंड देन अगर मेरे पास यही नंबर 35.73 होता तो 7 को राउंड ऑफ कैसे करता, तो ये ऐसे होना था 35.7, दिस इज द रिजल्ट, इस तरह होना था। सो रूल्स भी हमें यही कहते हैं। अब आ जाए सेकंड रूल, इफ द नंबर बिहाइंड द डेसिमल पॉइंट इज हाफ आर मोर देन हाफ इट इज राउंडेड अप टू द नेक्स्ट होल नंबर। हाफ का मतलब क्या है, 1/2, दिस इज हाफ। जब इसको हाफ करेंगे 0.5, फिगर कौन सी आई, 5 की। सो डिजिट जो 5 है
ये आपने अपने दिमाग में रखना है, और उसके बाद वाला डिजिट देख लेना है कि वो 5 है या 5 से ग्रेटर है, तो पहले वाले में 1 ऐड कर देना है, अगर लेस है तो फिर ऐड नहीं करना, एज इट इज उसको छोड़ देना है। सो अब आ जाए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है, राउंड ऑफ 24.35 टू द नियरेस्ट होल नंबर। आप यहां पर कंडीशन क्या है, होल नंबर पे राउंड ऑफ करना है, होल नंबर पे। सो कैसे करेंगे, अब आ जाए नेक्स्ट, ये जो नंबर है 3 डेसिमल पॉइंट के बाद, इसको देखेंगे, ये अगर 5 है या 5 से ग्रेटर है, अगर 5 या 5 से ग्रेटर है तो राउंड अप कर देंगे, अगर 5 से लेस है तो राउंड डाउन कर देंगे। सो अगर राउंड अप किया तो ये बन जाएगा 25, ये तो नहीं हो सकता, अगर राउंड डाउन किया तो ये 24 ही रहेगा। सो ये करेक्ट है, क्यों, क्योंकि जो पॉइंट के बाद नंबर डिजिट है वो 3 है, वो लेस देन 5 है। सिमिलरली बाकी के एग्जांपल्स आपने कर लेनी है। अब आ जाएं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ, ये वर्कशीट आपके टीचर आपको क्लास में प्रोवाइड कर देंगी। सो अब यहां पर देखें, और इन वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद आपने ये वर्कशीट अपने टीचर को सबमिट करवानी है। सो प्रोसीजर आपने वही यूज करना है जो कि आप लोगों को मैंने अभी बताया है। अब आ जाएं प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट या रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें लर्न की, हमारा आज का एसएलओ था राउंड ऑफ आ 4 डिजिट नंबर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस टू द नियरेस्ट 10th आर 100th। के कैसे देखें, 34.781 100th के ऊपर इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये 100th है। सो और इसके बाद कौन सा डिजिट है, इसके बाद कौन सा डिजिट है, 1, दिस इज लेस देन 5। सो व्हाट वी हैव टू डू, 34.78 दिस इज योर रिजल्ट। अगर यहां पर 6 होता तो क्या करते, तो हम लोग 8 में 1 ऐड कर देते, 34.79 हो जाता। सिमिलरली आपने अपने जो गिवन क्वेश्चन हैं या टास्क हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, यही मेथोडोलॉजी यूज करते हुए उनको परफॉर्म कर देना है। तो स्टूडेंट्स, एंड देन नेक्स्ट, डेसिमल कैन बी राउंडेड ऑफ बाय फॉलोइंग सिंपल रूल्स। द डेसिमल पॉइंट विल बी ड्रॉप ऑफ इफ द नंबर बिहाइंड इट इज लेस देन हाफ, हाफ का मतलब 0.5, जो कि 5 का फिगर याद रखना है। एंड देन द डेसिमल पॉइंट विल बी राउंडेड अप टू होल नंबर इफ द नंबर बिहाइंड इट इज मोर देन हाफ। सो स्टूडेंट्स, अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने ये एग्जाम्पल नंबर 26 और 27 प्लस होम एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को ये सबमिट करवा देनी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई है। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास विद न्यू एसएलओ। अल्लाह हाफिज़।